झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और जो बिहार में जो चारों उपचुनाव जो होने जा रहे हैं वो भी हम लोग जो है जीतेंगे। सबसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने, सबसे ज्यादा जो है दुकान खोले हो पंचायत पंचायत तक उन्होंने दुकान खोला शराब का, और अब शराबबंदी हुई है तो लगातार जो है शराब, जहरीली शराब से लोग मारे जा रहे हैं। इस सरकार ही शराब बिचवाने का काम कर रही है, संरक्षण देने का काम कर रही है माफियाओं को। अब मुख्यमंत्री से तो बिहार संभल नहीं रहा, अब समय भी उनका खत्म हो चुका है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ है संजीव सिंह। की नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभी अभी आरजेडी प्रदेश कार्यालय पहुंचे और कार्यालय पहुंचते ही उन्होंने शराबबंदी को लेकर के जमकर सरकार पर हमला किया और साथ ही साथ झारखंड में जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के भी बड़ा बयान दिए हैं। क्या कुछ कहते तेजस्वी यादव, आइए आपको सुनाते हैं। बेतुका बयान देने में तो माहिर है लोग, बिना तथ्य के बिना झूठ बोले ये लोग रह ही नहीं सकते। सच से इनका कोई वास्ता ही नहीं है। 20 साल से राज कर रहे हैं आप, लगातार जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने सबसे ज्यादा जो है दुकान खोले हो पंचायत पंचायत तक उन्होंने दुकान खोला शराब का, और अब शराबबंदी हुई है तो लगातार जो है शराब, जहरीली शराब से लोग मारे जा रहे हैं। चाहे छपड़ा हो, महाराजगंज हो, गोपालगंज हो, आप देखिएगा मुजफ्फरपुर में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं लगातार। लेकिन जो पीड़ित परिवार है जिनकी मृत्यु हुई है, एक बार भी संवेदना तक मुख्यमंत्री ने या उनके मंत्री या पार्टी द्वारा जो है नहीं जताई गई है। वो अपने बिहार के लोग हैं, गरीब लोग हैं, लेकिन सरकार जो है जो बड़ी मछली है उस पर कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि सरकार ही शराब बिचवाने का काम कर रही है, संरक्षण देने का काम कर रही है माफियाओं को। दारू अगर उपलब्ध हो रहा है हर जगह तो इसमें सरकार की फेलियर है ना, तो किसी और को कोसते से तो काम चलेगा नहीं। अब मुख्यमंत्री से तो बिहार संभल नहीं रहा, अब समय भी उनका खत्म हो चुका है। तो पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर अगर आप देख लें या शराबबंदी की बातें देख लें तो पूरी तरीके से बिहार जो है हाशिए पे आ चुका है। चार सीटों पर विधानसभा कर रहे हैं, बिहार विधानसभा के क्या माहौल देख रहे हैं झारखंड? नहीं, झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और जो बिहार में जो चारों उपचुनाव जो होने जा रहे हैं वो भी हम लोग जो है जीतेंगे। तो आपने सुना कि साफ तौर पर तेजस्वी यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी जहरीली शराब से लगातार बिहार में मौतें हो रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार जो है वो नाकाम साबित हो रही है, शराबबंदी विफल साबित हो रहा है और सरकार जो है इस पर ध्यान नहीं दे रहे। साथ ही झारखंड चुनाव को लेकर के भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है, झारखंड में हम लोग पूरी तरह से तैयार है, प्रचार प्रसार लगातार कर रहे हैं और चुनाव जीतने का भी काम करेंगे, तमाम तरह के दावे करते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव आप भी सुने थे, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट रूम के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे हैं बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।